दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज है थर्सडे और आने वाले 3 दिन मार्केट के अंदर हॉलीडे हैं, तो इसको देखते हुए आज आपको मंथली, वीकली और डेली सभी कैंडल जो है वो कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। तो आज अपने बात करने वाले हैं HDFC बैंक की। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अभी लाइव मार्केट के अंदर ये 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये 50 EMA जो कि 1463 का है, ये इसके ऊपर यदि ये आज के दिन क्लोजिंग देता है तो ये क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जो है वो मानी जाएगी। अब यदि आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से ये देखिए ये जो लेवल है 0.6 का 1425 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और यदि ये 50 EMA के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो है इसका 1530 का जो टारगेट है, ये जो गैप है पेंडिंग, ये भी फिल होते हुए दिखाई देगा। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ जब से इसके अंदर गिरावट आई थी जो कि 18 जनवरी है, तो करीब जनवरी, फरवरी और मार्च मतलब 2.5 महीने हो गए, अभी ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब इसको सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सारे जो लेवल मैंने प्रीवियस लेवल बनाए हुए हैं उनको क्लियर कर देता हूँ, और अपने देखते हैं कि ये जो मैंने पहले भी बताया था ये इस ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी क्या है जब से इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, यदि कोई स्टॉक इस तरह से एक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है और ब्रेक होने के बाद दोबारा यदि ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो ये क्या है, काफी ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देगा, 1600 के लेवल तक भी आपको अपसाइड ये दिखा सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसको अपन बोलते हैं ये राइजिंग ट्रायंगल। तो ये जो राइजिंग ट्रायंगल है इसका यदि ब्रेकआउट नीचे हुआ है, लेकिन नीचे भी कितना हुआ है ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहां से यदि आप फिबोनाची के द्वारा कंफर्म करेंगे तो ये 0.6 का लेवल है, तो वीक तो नहीं है, लेकिन यदि ये जो ट्रेंड लाइन ये पहले मैंने बनाई हुई है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके वापस से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर, क्योंकि ये देखिए ये जो सिमेट्रिकल ये राइजिंग ट्राइंगल है इसका यदि ब्रेकआउट होता है और सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो इसका टारगेट क्या होने वाला है, ये जो लेवल है यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी हाइट है ये हाइट आपको ऊपर देखने को मिलने वाली है शॉर्ट टर्म में, आने वाले हो सकता है 1 महीने में भी आपको ये लेवल दिखाई दे। तो ये जो लेवल है यहाँ करीब 1560 के आसपास है, तो और अपने इसको वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी प्लानिंग कर लेते हैं, इसका डिटेल वीडियो में आपको आने वाले दिनों में अपडेट करके बता दूंगा, लेकिन यदि आप इसके अंदर वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो वीकली चार्ट के अंदर मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, ये देखिए ये जो लेवल है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, क्योंकि वीकली कैंडल जो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही, यहाँ पर सपोर्ट है, इसके नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये जो लेवल है ये आपको आने वाले 1 या 2 महीने में दिखाई दे सकता है, जो कि 1560 का है, यहाँ अभी स्टॉक जो है वो 1460 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है ये इसको ब्रेक करके आपको 1560 तक का आने वाले 1 वीक 2 वीक या जैसे ही ये बुलिश होगा, क्योंकि देखिए डेली चार्ट के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये क्या है 50 EMA का रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन आज मुझे ये लगता है ये 50 EMA को ब्रेक कर देगा। देखिए लाइव मार्केट के अंदर अभी ये 1457 हो गया है तो 1463 के ऊपर निकल गया, क्योंकि ब्रेक होने के बाद तो सभी एंट्री लेंगे, लेकिन यहाँ पर जिसने एंट्री ली है 1420 के आसपास, 22 के आसपास, तो ये जो लेवल है एंट्री लेवल है, स्टॉप लॉस जिसका भी होगा उसका 420 का होगा, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेगा। तो अब यदि आप यहाँ पर एंट्री लेंगे तो आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1420 का मतलब काफी नीचे हो गया, 40 पॉइंट नीचे हो गया, टारगेट आपका हो सकता है ये 60 का रहे लेकिन आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। तो ये सभी चीजें जो है आपको ध्यान में रखते हुए स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट प्लान करना चाहिए। हालांकि मैंने डीमार्ट का भी वीडियो बताया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ये 4500 से 4600 का जो लेवल है वो क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, वहां यदि ये लेवल ब्रेक करता है, हालांकि ब्रेक करेगा नो डाउट, लेकिन ब्रेक करने के बाद ये रुकेगा, और यदि ये ऊपर चला गया, डीमार्ट की बात कर रहा हूँ, यदि वो ऊपर चला गया तो वापिस रिटेस्ट करने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है जब भी ब्रेक होता है तो उसको
उसका सपोर्ट लेकर ही ये ऊपर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी जो जानकारी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।